हेलो एवरीवन, फिर से एक उड़ते पक्षी ने ये खबर दी है कि मटके के नीचे 1 रुपए का सिक्का रख दो, मटका भर दो चीनी से, चावल से, उससे भी लक्ष्मी आती है। पहले तो आपको सिंबल समझ में आना चाहिए, मटका कुंभ। तो कुंभ कौन है? शनि। अब कुंभ क्या करता है? पानी को बांध के रखता है। कुंभ बोलते थे पहले परिवार को, जो परिवार 10-15 लोग इकट्ठे रहते थे उसको कुंभ बोलते, ये कुंभ चलाता है अपना। तो अब वो है मटका। मटके के अंदर पानी क्या होता है? बंधा हुआ रहता है, शीतल रहता है। पानी के बहुत फायदे हैं। आज भी कई लोग, अब देखिए राजा की बात करो तो वो सोने में खाते थे, फिर ऐसा ही हुआ है चांदी का आ गया, फिर हमारे टाइम पे हमने देखा हुआ अपना नानी को पीतल के बर्तन, फिर हमारी मम्मी का टाइम आ गया स्टील के बर्तन, हमारे प्लास्टिक के बर्तन, तो वो कुछ रहा है नहीं। और पहले लोग मिट्टी के बर्तन, तो पुराने जमाने की प्राचीन की बात कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तन में रोटी खाते थे। अब मिट्टी के में ही पानी पीते थे। अब फ्रिज बॉटल्स बहुत कुछ आ गया, तो इसके पीछे रीज़न था कि ठंडा पानी मिलता है। आप आज भी साइंटिफिक वे पढ़िए, उसमें पानी अपने आप छनता है और इवेपोरेट होती हैं चीज़ें, और इसलिए वो पानी हमारे लिए बेनिफिशियल है। और कई पुराने लोग जो प्लास्टिक का वहम करते आज भी मटके का ही पानी पीते हैं। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में चले जाइए, आज भी मटके ही लगे, नीचे नल लगाते, लोग आते ठंडा पानी पीते हैं, कोई फ्रिज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मटका रखने से लक्ष्मी आती है ये नहीं सुना कि मटका रख लो घर में, चीनी भर के रख लो। और आज चाइना, आप इधर देखिए कि बड़े बड़े मटकों में ना ये लोग अपना फूड को फ्रोजन करके रखते हैं, स्टोरेज करके रखते हैं। इनके यहाँ ये प्लास्टिक का नहीं चलता अभी भी। आप वीडियोस देखिए तो उसमें क्या है, जब ये जहाँ पर बर्फ़ की कंट्रीज हैं तो वो लोग क्या है अपना फूड स्टोरेज करते हैं कि बहुत सर्दी पड़ेगी तो बाहर नहीं जा सकते, तो उसके लिए कहाँ पर मटके होते हैं, उनके लिए बड़े बड़े होते हैं मटके, तो उसमें स्टोर करते हैं, दवाइयाँ तक स्टोर करके रखते हैं उसमें आज भी। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि इसके अंदर लक्ष्मी आने ये रख लो, तो ऐसा कुछ नहीं। आप इस भ्रम में मत फंसना। मटके का सिंबल आप देखिए, सिंबल भी ढूंढिए। कुंभ का मतलब है शनि, और कुंभ जैसा दिखता कौन है? काशीफल। और मैं आगरा में रहती हूँ तो इतना वो बनता पेठा काशीफल से, तो काशीफल लेते हैं। आप देख लीजिए कि साउथ में नज़र जो उतारते हैं वो काशीफल से उतारते हैं, उसके अंदर सिंदूर भर के, हल्दी भर के नज़र उतारी जाती है, यानी मंगल कारक है प्रोटेक्शन का। शनि नेगेटिविटी का है, गुरुदेव आशीर्वाद का और हमारे ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, तो वो उसको फेंक देते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि बत्ती से भी नज़र उतारते हैं, लाल मिर्च से भी नज़र उतारते हैं, ये सारे कारक मंगल के हैं। लेकिन आपको क्या सिंबल नज़र आता है मटके जैसा? काशीफल। तो काशीफल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? नज़र उतारने के लिए, क्योंकि शनि का कारक है। तो अब इसमें लक्ष्मी का कहाँ लिखा हुआ कि लक्ष्मी आएगी? तो आपको इस भ्रम में नहीं फंसना है। और वैसे आप मटके जितना मर्जी भर के रख लो, तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए लोग सुनते उपाय करते हैं। फल आपने बताना है कि फल क्या मिला है, मुझे तो आपको सच बताना है, उसके पीछे का यथार्थ और कारण बताना है। और इसी तरह आप सच से जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ।